इस वीडियो में मैं अपना फेवरेट सॉफ्टवेयर एम एस एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन आप सब लोगों को दूंगा इस वीडियो में हम पूरे टाइम एक्सेल एक्सेल खेलते रहेंगे दोस्तों आपने देखा होगा कि मेरे जो भी पर्सनल फाइनेंस वीडियोस होते हैं उसमें ज्यादातर मैं कहीं ना कहीं एक्सेल को इंट्रोड्यूस कर ही लेता हूं इनफैक्ट काफी लोगों ने कमेंट किया है कि आई विश समवन लव्ड मी द वे अंकुर लव्स एक्सेल तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को एक इंट्रोडक्शन डू टू दिस सुपर पावरफुल सॉफ्टवेयर जो मैं पिछले बीस सालों से यूज कर रहा हूं एंड आई एम एब्सोल्यूटली इन लव विद द बिग रीजन फॉर वाई आई एम मेकिंग दिसो इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन हैं जो कि एक्चुअली हमें एक एक्सेल शीट पर लेने चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डिसीजन को सिर्फ नंबर्स और सिर्फ ऑब्जेक्टिवली ही देखें और कोई भी इमोशन ना डालें लेकिन इतना ही जरूरी है कि आप सिर्फ इमोशन या जज्बात से वो डिसीजन ना लें उसको कहीं ना कहीं नंबर्स में ट्रांसलेट करके इवेल्युएट करें एंड दिस शुड बी एन इंट्रोडक्शन ये वीडियो किसी भी रूप में रिप्लेसमेंट नहीं है एक डीप डाइव इन टू एम एक्स एस एल एम एस एक्सएल का क्योंकि एक्सेल एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही इवॉल्व सॉफ्टवेयर है सो so प्लीज अगर आप उसको डिटेल्ड में जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो मैंने कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट पिंक किया हुआ है विच विल टेक यू टू द यूडेमी कोर्स जो मैंने पर्सनली यूज किया था टू गेट द फाउंडेशन ऑफ एक्सेल कुछ साल पहले एंड आई कंटिन्यू टू गो बैक टू इट अगर मैं कभी भी लॉस्ट हो जाता हूं कि कोई फंक्शन कैसे काम करता है एंड सो वन एंड सो फोर्थ और लेट्स स्टार्ट तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टार्टेड विद एमएस एक्सेल एंड इसमें आपके रीसेंट सारे स्क्रीन आएंगे फाइल्स आएंगी एंड न्यू बहुत सारी चीजें होंगी आई विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड टेम्पलेट्स एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एम एस में आई स्टार्ट कॉलिंग इट एक्सेल एक्सेल में बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपको शुरुआत से पूरा वो टेंपलेट बनाने की जरूरत नहीं है मैं जब आपको वीडियोस में एम एस एक्सएल का कोई भी टेम्पलेट के दिखाता हूं वो क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि वो बना कैसे है आपको इतनी फाइट मानने की जरूरत नहीं है बहुत सारे टेम्पलेट्स है फॉर एग्जाम्पल आप एक फोटो कैलेंडर लेना चाहते हैं या अगर आप एकेडमिक अपना कैलेंडर ट्रैक करना चाहते हैं मंथली कंपनी का बजट है या हाउस होल्ड का बजट है या इंप्लॉई एब्सेंस का कोई स्केड्यूल है डेली वर्क स्केड्यूल है ये सारे टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप सर्च भी कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई सर्च फॉर बजट यू सी ऑल दीज टेम्पलेट्स आइट सो इतने सारे इंटरेस्टिंग एक वेडिंग बजट टेम्पलेट है सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन दिस जब आप क्लिक करते हैं तो एक क्रिएट करके आइकन होता है लेट्स प्ले अराउंड विद दिस दिस लेट्स जस्ट सी हाउ इज सो क्रिएट करते हैं तो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ दैट द्लेट जो आप यूज कर सकते हैं तो यहां एक वेडिंग बजट है एक्सपेंसेस है वेरी इंटरेस्टिंग ओके सो लेट्स से एंगेजमेंट ड्रिंक आपको खरीदनी थी आपने एस्टिमेट किया था ये डॉलर्स में है तो इसलिए कम है आपने एस्टिमेट किया था कि वो पचास हजार की रिंग होगी एक्चुअल में आपने थोड़ी सी फाइट मार के फोर्टी सेवन थाउजेंड में ही कर लिया तो ओवर एंड अंडर तीन हजार रुपए आपकी स्पाउस टू बी की वन रिंग स्पाउस टू बी वन थोड़ा यूएस है बट यू नो यू कैन चेंज दैट सो आपने किया कि आपको अपना वेडिंग सूट लेना था वो आपने बोला पंद्रह हजार रुपए का होगा लेकिन आपको वो पड़ा सत्रह हजार रुपए का सो ऑन एंड सो फोर्थ तो डाउन एन अंदर एंड ये सब अभी अगर हम डिलीट कर देते हैं तो अपैरल के कैटेगरी में एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग सूट था और आपका टोटल पैंसठ हजार रुपए का खर्चा है हुआ है सिर्फ सिक्सटी फोर वेडिंग बजट में का actual, रुपीज। आपका ग्राफ व्राफ भी पूरा बना हुआ है सो एवरी थिंग गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड इन दिस टेम्पलेट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है एंड एवरी थिंग इज ऑल्सो रिटर्न अबाउट दिस टेम्पलेट तो ऐसे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं लेकिन एक्सेल की बुनियाद समझने के लिए फाउंडेशन समझने के लिए टेम्पलेट से शुरू नहीं करेंगे हम शुरू करेंगे एक ब्लैंक स्क्रीन से एंड आई विल स्टार्ट दैट सो यह है एक ब्लैंक वर्कशीट दिस एंटायर शीट और फाइल इज कॉल्ड अ बुक और इसके अंदर जो ये होता है ना शीट वन अगर आप ऐड करेंगे एक और तो शीट टू एक और ऐड करेंगे शीट थ्री आप इनके नाम भी कर सकते हैं तो पहले वाले में से मैं लिखता हूं टेस्टिंग दीज आर कॉल्ड वर्क एंड वर्क शीट्स में आपको ये ग्रिड दिखेगा इस ग्रिड में ऊपर मेन्यू होगा मेन्यू सीखते रहेंगे जैसे जैसे आप थोड़े से एक्सपर्ट बनते रहेंगे बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एक्सेल इज वॉट इज हियर आप ये देखेंगे लेटर्स ए बी सी डी ई एफ एंड आप ये देखेंगे रोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सेल इसी के बेसिस पे पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है आप किसी भी एक सेल को क्लिक करेंगे इसको बोलते हैं सेल तो इसकी एक आइडेंटिटी है इसका एक एड्रेस है एक फिक्स्ड एड्रेस फॉर एग्जाम्पल जिस सेल पे मैंने अभी क्लिक किया है उसका एड्रेस है उसका कॉलम लेटर जो कि है जी एंड उसका रो लेटर जो कि है नाइन ये आप यहां देख सकते हैं जी नाइन आप किसी भी सेल को क्लिक करेंगे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसका एड्रेस दिख जाएगा दिस मेक्स एक्सेल पावरफुल क्योंकि हर एक सेल में जो लिखा हुआ है नॉट दैट लेकिन जो उसका एड्रेस है दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे कि ये कैसे सबको चेंज करता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिखता हूं वन फोर थ्री ये मैं ऐसे रैंडम कुछ नंबर ऐड किए जा रहा हूं नंबर ही ऐड करना है ठीक है ये मैंने कुछ कुछ नंबर ऐड कर दिया अब मैं चाहता हूं इन सब का मैं एडिशन करूं अगर मैं एडिशन करूंगा और मैं एक्सेल शीट पे करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा अच्छा वन प्लस सेवन एट प्लस टू टेन प्लस वन अब अगर इसको मैं को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा वन प्लस सेवन प्लस टू प्लस वन प्लस सिक्स ऐसे ऐसे कितना लंबा रो है मुझे नहीं पता है कितने सारे नंबर हैं मुझे नहीं पता है. कैसे ये सब कुछ लिखते रहेंगे लेकिन अगर मैं इनको इनके नंबर या जो इस सेल में लिखा हुआ है उससे ना आइडेंटिफाई करके उसके एड्रेस से आइडेंटिफाई करूं इट मेक्स मी एन एक्सेल यूजर फॉर एग्जाम्पल ये सेल क्या है F4 फिर प्लस G4 फिर प्लस H4 फिर प्लस उपस, प्लस I प्लस प्लस A प्लस A प्लस A, plus A, plus A. प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंटर 363 नाउ व्हाई वाज दिस बेटर देन व्हाट आई डिड अर्लियर क्यों क्योंकि अब मैं जाकर कहीं भी कुछ भी चेंज करूं लेट्स से इस 45 को मैं ये कर देता हूं एंड आई प्रेस एंटर फार्मूला का रिजल्ट चेंज हो जाता है क्यों क्योंकि मैंने इस सेल को इसके नंबर से नहीं इसके एड्रेस से आइडेंटिफाई किया था तो अगर मैं पहले सिर्फ लिखता वन प्लस सेवन प्लस टू प्लस वन प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस जो भी और था तो वो नंबर तो वही नंबर रहता अगर मैं ये सेल का नंबर चेंज कर देता वहां तो वो नंबर चेंज नहीं होता लेकिन क्योंकि मैंने इसके सेल को एड्रेस किया था मैं इसको पूरा चेंज कर सकता हूं नाउ अनदर शॉर्ट वे ऑफ फिगरिंग दिस आउट इज यूजिंग फॉर्मूलाज एंड दैट मेक्स एक्सेल इवन मोर पावरफुल अब मैंने यहां क्या किया एफ फोर प्लस जी फोर प्लस एच फोर प्लस आई फोर दैट कॉम्प्लिकेटेड मैं इस पूरे का एक छोटा सम कर सकता हूं देर इज अ फॉर्मूला कॉल सम ब्रैकेट पहला ये नंबर एंड मैं इसको फिर ड्रैग कर सकता हूं एंड जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा वो वो सारे सेल्स जिसको मुझे ऐड करने हैं वो हाईलाइट कर लेगा मैं ब्रैकेट्स क्लोज करके एंटर सेम रिजल्ट एब्सोल्युटली द सेम रिजल्ट लेट्स ट्राई दिस इन वन मोर टाइम यूजिंग एन एग्जांपल क्रिएटिंग अ बजट तो बजट बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो so, हम लिखते हैं नंबर आइटम नेम अमाउंट कैटेगरी बजट ओवर और पिलो ओके आप देखेंगे कि यह थोड़ा थोड़ा कॉलम के ऊपर बाहर जा रहा है तो इसको आप यूज करके इसको ड्रैक कर सकते हैं तो इससे आप जगह बना सकते हैं ऐसे ओके okay. नंबर ज जस्ट लिस्ट ऑफ नंबर तो हमने स्टार्ट किया वन से अब अगर आप एक्सएल नहीं जानते तो आप क्या करेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन होता तो पहाड़े दो दुनी दो दु, दो नहीं दोनी सॉरी चार सॉरी दो दुनी दो दो तिया छोटे वटेवर दिस इज दी नोविस वे ऑफ डूइंग इट कोई जो एक्सेल अभी सीख रहा है लेकिन हम स्मार्ट हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे हम इसमें एक फॉर्मूला डालेंगे फॉर्मुला क्या होगा जब नया नंबर जो आएगा वो पिछले नंबर से एक ज्यादा है मतलब एक के बाद क्या आता है दो दो मतलब वन प्लस वन दो के बाद क्या आता है तीन तीन मतलब टू प्लस वन सो वन एंड सो फोर्थ तो आप इसको एक फॉर्मूला में डाल सकते हैं इक्वल टू वन प्लस वन दन? टू लेकिन इस फॉर्मुले का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस फॉर्मुले से आपने सिर्फ इस सेल को भरा है आप बाकी सारी सेल्स के लिए तो फिर से आपको वही लिखना पड़ेगा इक्वल टू टू प्लस वन थ्री नॉट यू यूज दिस जो भी इसके पहला वाला नंबर है प्लस वन ए तो, टू प्लस वन टू और अगर आप इस पे जाके कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और फिर यहां जाके जितने भी आप जाकर पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी क्या हुआ जादू सारे नंबर जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आ गए क्यों व्हाट हैपन इज दट फॉर्मूला गॉट पेस्टेड तो जो फॉर्मूला था ए टू प्लस वन जब आपने दूसरे सेल पे उसको पेस्ट किया वो बन गया ए थ्री प्लस वन दूसरे सेल पे ए फोर प्लस वन कैसे आप यहां देख सकते हैं फॉर्मूला को दिस इज वॉट द फॉर्मूला इज इन द सेल दिस इज द सेल नंबर उप सॉरी दिस इज द सेल नंबर या एड्रेस दिस इज द फॉर्मूला इन दैट एड्रेस या जो भी उसके अंदर है इट कुड बीबर इट कुड बी अमुला इज वेल तो फोर फाइव सिक्स सेवन ले जस्ट जूम इन तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे तो फोर फाइव सिक्स सेवन इज ड्रिवेन बाय जस्ट दिस फॉर्मूला विच इज ऑसम एक और तरीका इसको करने का विच इज जस्ट वेरी क्विक वे ऑफ डूइंग इट इज अगर आप थोड़ा और जूम करते हैं इसको ये देख रहे हैं ये जो सेल है इसके यहां एक छोटा सा एक स्क्वायर बक्सा बना हुआ है अगर इस बक्से को पकड़कर आप ड्रैग करेंगे एंड यू ड्रैग इट हाव एवर नीचे तो मैं इसको और ड्रैग किया जा रहा हूं यहां तक 230 रो नंबर तक एंड यू रिलीज इट देन द फॉर्मूला गेट्स पेस्टेड दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट यू कैन कॉपी द फॉर्मूला लेकिन फिर आपको जहां जहां पेस्ट करना होगा वहां आपको पेस्ट करना पड़ेगा और द अदर वे वे ऑफ डूइंग इट इज जस्ट ड्रैगिंग दिस छोटा सा स्मॉल बॉक्स ऑल डाउन सो इसमें हम वो सारी आइटम भरेंगे जो हमने जहां जहां जिस चीज में खर्चे करे हैं तो यहाँ क्लोज हो गया एन ऐसे में रैंडमली उसको भरे जा रहा हूँ एक्चुअली आई शुड राइट अ डेट एज वेल तो हम डेट का भी कॉलम करेंगे तो लेट्स अज्यूम ये हम सेप्टेंबर का मंथली बना रहे हैं तो हमने फर्स्ट सेप्टेंबर लिख दिया यहाँ तो ये ऐसे ही एग्जैक्ट डेट फॉर्मेट में आ जाता है तो जैसे ही आप इस पर वापस जाएंगे यू विल बी एबल टू सी वन नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर देता है कि ये फर्स्ट सितंबर है यही हम इधर भी डाल सकते हैं तो ये फर्स्ट सितंबर हो गया है ये हमने सेकेंड सेप्टेम्बर को किया फूड ऑक्टरिंग हमने सेकेंड सेप्टेंबर में करी शॉपिंग हमने थर्ड सेप्टेम्बर को किया ईटिंग आउट भी हमने थर्ड सेप्टेंबर को करी तो ऐसे ऐसे करके हमने ये हर एक चीज़ भर दी एंड इनके अगेंस्ट फिर हमने अमाउंट डाला तो अमाउंट ये हमने पांच हजार फिर मोबाइल बिल पांच सौ हजार एंड देन फॉर ईच ऑफ दीस हैव अ कैटेगरी अब कैटेगरी को हम बहुत सिंपल रखेंगे हम इसको डालेंगे नीड्स में फिर वांट्स में एंड इन्वेस्टमेंट्स में तो हर एक चीज या तो आपकी एक जरूरत है या आपकी एक इच्छा है या आपकी इन्वेस्टमेंट है एंड लेट्स डू दैट तो आपका रेंट फॉर इंस्टेंस इज अ नीड आपकी मोबाइल फोन इज ऑल्सो नीड आपकी यूटिलिटी इज ऑल्सो अ नीड फूड ऑर्डरिंग इज अ वॉन्ट क्योंकि ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं इन सम वे आप उसको अपना खाना बनाने के लिए वट एवर शॉपिंग इज अ वॉन्ट ईटिंग आउट इज अ वॉन्ट सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके okay, तो ये भी हमने कर लिया है इस बजट और बॉन्ड को अभी हम हटा देंगे बिकॉज आई विल शो यू हाउ दिस वर्क्स सो दिस इज हाउ इट्स तो सबसे पहला बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला टोटल खर्चा कितना हुआ है नाउ टोटल खर्चा क्या है इट इज द सम ऑफ एवरीथिंग तो आप दो चीजें कर सकते हैं यू कैन ईदर डू द फॉर्मूला विच इज सबसे पहले डी ट्वेंटी सेवन फिर प्लस डी ट्वेंटी सिक्स फिर प्लस डी ट्वेंटी फाइव फिर प्लस ट्वेंटी फोर आप थोड़ा और जान चुके हैं सो वॉट यू विल डू इज समथिंग कॉल सेल रेंज तो आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मुले हैं द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला दैट इज ऑफन यूज कॉल्ड सम सम का मतलब जो भी मैं बताने वाला हूं उन सबको जोड़ दीजिए सो द सिंटैक्स और द तरीका ऑफ राइटिंग द सम इज सम ब्रैकेट ओपन जो भी रेंज को आपको सम करना है तो मुझे कौन सी रेंज से सम करना है यहां से लेकर ऑल द वे टू यहां तो मैं शिफ्ट दबाकर इस सेल को क्लिक करूंगा दिस इज हाउ इट विल रिप्रेजेंट डी टू टू डी ट्वेंटी सेवन मतलब मैं बोल रहा हूं कि डी टू जो सेल है वहां से लेकर डी ट्वेंटी सेवन तक जो भी कुछ है उसको सम कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज तो ब्रैकेट क्लोज एंड तो जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो पूरा सम आ गया विच मीन इस महीने हमने फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट रुपीज खर्च करे हैं दिस इज द फास्टेस्ट वे फॉर यू टू गेट वॉट इज द टोटल एक्सपेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला सम बहुत सारे ऐसे फॉर्मुले हैं सब नहीं जान पाएंगे हम लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आना ही चाहिए ना लेट्स आप मोटा मोटा देखना चाहते थे कि यार मेरा अगर रेंट पांच हजार रुपए है तो मेरा एनुअल रेंट कितना होगा लेट्स सी इफ यू टू डू दैट अब इसका वीडियो पॉज करके फॉर्मूला सोचने की कोशिश करिए क्योंकि आप 5000 थाउजेंड इंटू ट्वेल्व नहीं करना चाहते आप फॉर्मूला डालना चाहते हैं फॉर्मूला क्या होगा इक्वल टू ये वाला जो सेल है विच इज डी टू इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व इज द नंबर ऑफ मंथ्स एंटर और आ गया साठ हजार अब आप यही हर एक आइटम के लिए जानना चाहते हैं कैसे करेंगे फिर से वीडियो पॉज करके याद करने की कोशिश करिए मैंने आपको ये दिखाया है बक्सा तक आप आप चाहते हैं, which is here. आप करेंगे and सारे अब multiplied by the same formula है. मतलब सबका सेम फॉर्मुला है डी फोर इंटू ट्वेल्स डी फाइव इंटू ट्वेल्स एंड अब अगर आप सम करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं पहला आप इस सम को कॉपी करके यहां डाल सकते हैं क्यों क्योंकि एग्जैक्टली सेम रेंज को सम कर रहा है लेकिन एक दूसरे कॉलम पे सो एक्सेल स्मार्ट इनफ टू रियलाइज मैं यहां कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूं तो फॉर्मूला बदल जाता है एंड इट बिकम सम एफ टू टू एफ ट्वेंटी सेवन नॉट डी क्योंकि ये डी बोलता है ना बोलेगा अगर ये यह यहां इस कॉलम में पेस्ट हुआ है तो वो एफ हो चुका होगा क्योंकि सेम रो में ही पेस्ट हुआ है द अदर वे इज टू राइट द फॉर्मूला ऑर्गेनिकली विच इज समा इसको करेंगे एफ टू टू एफ ट्वेंटी सेवन जो आप यहां देख सकते हैं एंड देन यू विल क्लोज द ब्रैकेट एंटर द सेम थिंग ओके बट ऑफकोर्स मैं आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग एक तरीका दिखाना चाहता हूं अब ये हो चुका है अब इसके बाद ये जो आप शीट पे काम कर रहे थे दिस वॉज कॉल्ड वर्क बुक आप एक और नीचे यहां वर्क बुक खोल सकते हैं सो यू विल प्लेस क्लिक एंड यू विल सॉरी वर्कशीट नॉट वर्क बुक वर्कशीट पूरी पूरे एक्सेल को विद ऑल द आर कॉल्ड तो ये थी शीट वन जिसमें हम काम कर रहे थे हमने शीट टू खोली है विच इज कॉल्ड द वर्क शीट इसमें अब मैं चाहता हूं मैं ये जानू कि नीड वॉन्ट और इन्वेस्टमेंट्स में मैंने कितना कितना खर्चा किया सो इफ आई आस्क यू जल्दी से बताओ कि ये एक नीड था ये एक नीड का आइटम था ये एक नीड का आइटम था ये वॉन्ट का था ये वॉन्ट का था तो नीड में टोटल कितना खर्चा हुआ है आप क्या करेंगे अगर आपने एक्सेल शीट अभी अभी शुरू करी है यूज़ करना तो आप कहेंगे अच्छा पहले इस नीड को टोटल करो प्लस फिर इस नीड को टोटल करो फिर इस नीड को टोटल करो फिर और का नीड है ये नीड है इसको टोटल करो फिर और का नीड है और का नीड है ये नीड है इसको टोटल करो पता चला एक नीट छूट ही गई है जो ये बारह रुपए छूट गए ग्रोसरी के फिर कहीं और हो गया यहां अब ये तो एक महीने का है फर्ज करिए कि ये हजारों का कोई रो तो कितना करेंगे पागल हो जाएंगे ना स्मार्ट फॉर्मूला तो हम करते हैं और इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि सब कुछ अच्छे से देखें तो नीड सॉरी नीड।, नीड नीड में हमने कितना खर्च किया है द बेस्ट थिंग अबाउट एक्सेल ज आप चाहे जितनी भी शीट्स यूज कर लें वो शीट्स इंटरकनेक्टेड हैं आप एक दूसरी शीट में जाकर उसका सेल भी टैग कर सकते हैं सो यू विल से इक्वल टू एंड यू विल नाउ नॉट सम बट विद अ डिफरेंस आपको बेसिकली ये बोलना है कि उन सारी चीजों को सम करिए जिसके सामने लिखा हो दर्ड नीड राइट देट यू से जहां जहां नीड लिखी है उनके जो भी नंबर है उन सबको सम कर दीजिए सो यू आर विद अ कंडीशन सो देयर इज दैट कॉल्ड सम इफ जैसे ही आप ब्रैकेट डालते हैं वो एग्जैक्टली exactly पूछता है कि क्या उसके पैरामीटर्स हैं सबसे पहला रेंज क्या है तो आप शीट वन में जाएंगे और रेंज बोलेंगे ये पूरा कॉलम मेरा रेंज है विच इज नाउ सीन एज शीट वन मैं E इस टू ई मतलब E का पूरा सेल रेंज फिर आप बोलेंगे कॉमा क्राइटेरिया क्या है क्राइटेरिया यह है कि मैंने जहां जहां नीड लिखा होगा नीड अब एक वर्ड है तो जब भी एक वर्ड लिखा जाता है और उसको एक कंडीशन बनाया जाता है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं तो मैं बोलता हूं जहां जहां भी इस कॉलम में नीड है वो मेरा क्राइटेरिया है कॉमा क्या करना है समरेंज मतलब मुझे शीट वन की डी को सिर्फ सम करना है आई क्लोज दिस इट ऑलमोस्ट साउं लाइक मैजिक सम इफ कॉलम ई को मैं कंडीशन रेंज मान रहा हूं मतलब इस पे मैं अपना कंडीशन चेक करूंगा कंडीशन क्या है जहां जहां भी नीड लिखा है वो मेरी कंडीशन है और करना क्या है नीड के साथ साथ जो भी उसके सामने जो होगा नंबर होगा उसको जोड़ दीजिए बिकॉज सम इफ एप एंटर नाइन फाइव थ्री इट नाइन फाइव थ्री टू अब यही चीज वॉन्ट एंड इन्वेस्टमेंट अब हम इसको एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे फॉर्मूला तो सेम है पता चल चुका है आपको सम इफ ब्रैकेट ओपन वापस यहां जाएंगे हम बोलेंगे ये मेरा कंडीशन है कॉमा अब मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में वॉन्ट नहीं लिखूंगा मैं कुछ और स्मार्ट करूंगा मैं बोलूंगा द कंडीशन इज दिस जो भी इस सेल में लिखा हुआ है वो मेरी कंडीशन है तो मैं बोलता हूं शीट टू पे ए टू जो है विच इज दिस सेल इज माई कंडीशन और मेरी रेंज जो है वो वापस यही है आई क्लोज इट गो थेन शीट वन ईटी मतलब इस रेंज में जब भी शीट टू ए टू पे लिखा हो शीट टू के ए टू पे जो भी लिखा हो वो जब जब दिखे उसके सामने वाले नंबर आप जोड़ दीजिए थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री अब इसी चीज को आप यहां लाएंगे एंड आई विल गो थ्रू द सेम थिंग सम यू कैन डू ऑन योर ओन दिस कॉमा Sheet पे आ गए दिस खामा फिर यहां के दिस डॉट दैट्स इट सिंपल फॉर्मूला में आपने एग्जैक्टली exactly वो मेजर कर दिया कि आपकी नीड वांट और इन्वेस्टमेंट में कितना कितना खर्चा हुआ है आप चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं आप क्या करेंगे सम इन तीनों को सम करते हैं 46408 आपने कितना खर्चा किया था 46408 डिस इज एग्जैक्टली हाउ यू वुड प्ले अराउंडल थिंग्स विद एमएस एक्स एल बहुत सारी और चीजें हैं पेविट टेबल्स हैं बहुत सारे और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हैं वट आई वॉन्टेड यू टू गेट टू नो इज द पावर ऑफ सेल कि आप एक सेल की बुनियाद उसकी औकात उसके कॉलम और उसके रो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको पॉइंट करके अब वो सेल कुछ भी हो जाए आपका फॉर्मूला वैसे ही चेंज होगा टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल लेट से मैं बोलता हूं कि यर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आई विल से टेन फर्ज करिए रेट ऑफ रिटर्न एंड आई विल से ट्वेल्व परसेंट अमाउंट इन्वेस्टेड एंड आई से टेन थाउजेंड और मुझे ये पता करना है कि एंड अमाउंट कितना होगा मतलब मैंने दस हजार रुपए इन्वेस्ट करे बारह परसेंट रिटर्न पे तो दस साल के बाद मेरा अमाउंट कितना होगा हाउ इट सिंपल सा फॉर्मूला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है टेन थाउजेंड इंटू वन प्लस द रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर द नंबर ऑफ इयर्स ये मैंने अब फॉर्मूला बना दिया दैट इज कि आपका जो भी पैसा है वो 12 परसेंट मतलब C2 से ग्रो कर रहा है एंड C1 10 साल के लिए ग्रो कर रहा है फॉर्मूला तो सेम है फॉर्मूला इज समथिंग दैट यू इधर नो और यू गूगल दैट्स फाइन लेकिन उसको एक्सेल शीट में लिखना ये है नाउ द ब्यूटी इज आपके पास दो तरीके थे इस सवाल का जवाब देने के एक तरीका जो बहुत लोग करते हैं जो एक्सेल नहीं जानते ओ दस हजार दस साल बाद कितना होगा अगर वो बारह परसेंट पे ग्रो करेगा ओ मुझे दस हजार प्लस परसेंट टू द पावर टेन। वन जीरो एट <laughs> मैं बोलता अच्छा अच्छा, अच्छा ये तो सही है पंद्रह साल बाद कितना होगा ओ पंद्रह साल अच्छा एक मिनट पे जाके यहाँ पंद्रह इधर पंद्रह चेंज करेंगे पंद्रह अच्छा बारह परसेंट का अगर पंद्रह परसेंट होगा तो कितना होगा अच्छा एक मिनट रुक जाओ इसमें जाकर 15... ये आप फॉर्मूले में जाकर नंबर चेंज कर रहे हैं दैट्स नॉट द वे टू डू वर्क इन एक्सेल द राइट वे इज यहां तो अगर मैं आपसे बोलता हूं खटखट दस साल नहीं पंद्रह साल के इन्वेस्ट कर रहा हूं ओके okay, फिफ्टीन नंबर बदल गया बारह नहीं पंद्रह परसेंट पे कर रहा हूं और राइट डन देखा कितनी जल्दी हो जाता है एंड नाउ इमेजिन दिस अक्रॉस मल्टीपल सच शीट्स अक्रॉस मल्टीपल सच फॉर्मूलाज एंड यू गेट द पावर ऑफ वॉट एक्सेल कैन डू सेल्स को आइडेंटिफाई करिए उस पर फॉर्मूले लिखिए फॉर्मूले जानना इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस बट हाउ टू यूज द फॉर्मूला इज जस्ट दिस वन सिंपल ट्रिक एंड ये अगर वन सिंपल ट्रिक आपको आ गई ऑफ यूजिंग सेल्स टू बिल्ड ऑन फार्मूलाज यू नो एटी परसेंट ऑफ एक्सएल फंडामेंटली एटी परसेंट एक्सेल उसके बाद तो इट इज जस्ट अबाउट यू गेटिंग टू नो की वो फॉमुला कैसा होता है सिंपल गूगल सर्च करेंगे हर एक फॉर्मुला मिल जाएगा आपको हर एक चीज का फॉर्मूला है एम एस एक्सएल में द ओनली थिंग मिसिंग इज पीपल नॉट नोइंग आप सेल्स के रेफरेंस से अपने पूरे एक्सेल के एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं आई होप दिस बेसिक थिंग वॉज यूजफुल जैसे कि मैंने बताया एक एडवांस कोर्स है ऑन यूडेमी अराउंड ब्रिलियंट कोर्स एंड आई गॉट टू नो द टॉप सेलिंग कोर्स फॉर यूडेमी इन इंडिया अगर आपको उस कोर्स को करना है देन कॉमेंट सेक्शन में वो पिंड है आई होप दिस वॉज यूजफुल एक्सेल एक्सएल खेलने में मजा आया दिस इज अंकुर ऑफ